नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फुल वैरायटी में। तो दोस्तों, मैंने कई बार देखा है काफ़ी सारे लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिनकी वजह से उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो चाहे वो फ्रॉड से रिलेटेड हो, चाहे वो करप्शन से रिलेटेड हो, तो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं हूं पुनीत ग्रोवर। आज मैं आपसे इन्हीं अधिकारों के बारे में बात करूंगा। आज मैं आपको टोटल 10 अधिकार ऐसे बताऊंगा जिनको पता होने के बाद आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपनी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन अधिकारों को दोस्तों अपने दिमाग में गांठ बांध कर रख लीजिए। तो दोस्तों, मैं हूं पुनीत ग्रोवर। अगर आप आए चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारी साइड से ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जो आपके जनरल लाइफ में काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे लॉज बताने जा रहा हूँ, कुछ ऐसे आपके अधिकार बताने जा रहा हूँ जिसका आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अपनी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसी सिचुएशंस आए तो आप उनको इजीली टैकल कर सके, उनको इजीली आप हैंडल कर सके। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहला कानून ये है कि सपोज करो आप एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है। तो दोस्तों, आपने देखा ही होगा आजकल कि ओकेजनली लाइक दिवाली हो गया या कोई ना कोई फंक्शंस पे जो ऑफिस के अंदर कोई ना कोई गिफ्ट आइटम्स एम्प्लॉयज को दी जाती है, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो ये गिफ्ट आइटम्स दी जाती है ये एज ए रिश्वत मानी जाती है, ठीक है। इंडियन के जो लॉज है उसके अकॉर्डिंग ये एक रिश्वत के अंदर आता है कि भाई ये ब्राइब दी जा रही है। तो अगर कोई भी चाहे तो वो इस बात की कंप्लेंट कर सकता है कि एक एम्प्लॉय ने ब्राइब ली है या कंपनी ने ब्राइब दी है। ये था दोस्तों पहला कानून, जो कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको दूसरे कानून के बारे में बताता हूँ कि सपोज करो आपने कंपनी में जॉब करते हो, आपने टैक्स पे नहीं किया। होता है कई बार सिनेरियो कि हम टैक्स पे नहीं करते, या हमारे पास उस टाइम बजट नहीं होता, या हम जानबूझकर टैक्स पे नहीं करते, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग, कोई अच्छी बात नहीं है। तो सिनेरियो कि अगर आप टैक्स पे नहीं करते तो ये जो उल्लंघन होता है जो आपने किया, इसके अनुसार आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बट हाँ, कितने टाइम तक उसको हिरासत में रखना है, जेल में रखना है, ये इनकम टैक्स कमिश्नर तय करता है कि भाई उसको इतने टाइम तक जेल में रखना है। तो ये कौन सा कानून है दोस्तों? तो ये जो अधिनियम है ये इनकम टैक्स का अधिनियम है, आयकर अधिनियम, जो ये 1961 के अंदर पास हुआ था, जिसके अनुसार अगर आप ऐसे टैक्स पे नहीं करते या उल्लंघन कर रहे हो कुछ ऐसी चीज़ों का, तो आपको हिरासत में लिया जा सकता है। अब जो दोस्तों मैं तीसरा अधिकार बता रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, जनरल लाइफ के अंदर होता है बेसिकली, कि हम हेलमेट डाल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। हेलमेट डालना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। रीजन ये नहीं कि हम पुलिस वाले खड़े उसे हमें करना, ना, हमें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट डालना बहुत जरूरी है। अब चलो ठीक है, ये अधिकार है कि हेलमेट डालना जरूरी है, तीन लोग नहीं बैठ सकते बाइक पे, ये अधिकार है। लेकिन अगर कोई भी पुलिस वाला आपको रोकता है और आपकी चाबी निकाल लेता है बाइक में से, तो वो जो है वो गैर कानूनी है। आप चाहें तो उस कॉन्स्टेबल या जो अधिकारी होता है, पुलिस अधिकारी है, उसके खिलाफ आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि हाँ भाई ये गैर कानूनी था जो इसने किया, इसको एज ए रिस्पेक्ट जो है हमें कंसिडर करना चाहिए। जिस भी इंसान को पकड़े एज ए रिस्पेक्ट जेस्चर उसको कंसिडर करें, उसे पूछताछ करें, आपसे जो चालान काटना है चालान काटे, या जो भी प्रोसीडिंग्स उसे करने हैं वो करें, लेकिन वो ऐसे चाबी नहीं ले सकता। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये गैर कानूनी है दोस्तों। तो दोस्तों, जो अगला अधिकार है वो ये है कि महिलाओं को, लेडीज को, गर्ल्स को जो है सिर्फ लेडीज ही गिरफ्तार कर सकते हैं, लेडीज ही अरेस्ट कर सकते हैं, मेल पुलिस ऑफिसर है जो उनसा वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। और दूसरा, चाहे महिलाएं गिरफ्तार करें लेकिन इवनिंग 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक वो मना कर सकते हैं किसी भी पुलिस स्टेशन में जाने से, कि हाँ भी हाँ जो सुबह 6 बजे के बाद शाम के 6 बजने से पहले, मतलब कि सूर्य उदय होने के बाद सूर्य अस्त से पहले, उसी के बीच में ही महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। बट अगर पुरुष, मतलब कि कोई मेल जो पुलिस ऑफिसर है वो अगर गिरफ्तार करना चाहे तो हाँ दोस्तों वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको मजिस्ट्रेट से स्पेशल परमिशन लेकर आनी पड़ती है कि हाँ भी मुझे इसको, किसी कोई ऐसा सिनेरियो बन गया, ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मुझे इसको अभी गिरफ्तार करना पड़ेगा और एज ए मेल पुलिस ऑफिसर ही मुझे इसको गिरफ्तार करना ही करना है मुझे अभी, तो उस केस में उसको रिटर्न में परमिशन लेकर आनी होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जो पांचवा अधिकार है वो ये है कि जो लेडीज होती है जो प्रेग्नेंट है, कंपनीज के अंदर वर्क कर रही है, और सपोज अगर वो प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंट है वो उस टाइम पे, तो दोस्तों कोई भी कंपनी उस लेडीज को, उस लेडी को जॉब से नहीं निकाल सकती। ये सीधे सीधे सिनेरियो कि अगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट है तो कंपनी उसको ऑफिस से नहीं निकाल सकती। ये इस चक्कर में, इस सिनेरियो के अंदर जो 3 साल की सजा का प्रावधान दिया गया हमारे इंडियन लॉ के अंदर। तो दोस्तों, जो 6th जो अधिकार है वो ये है
कि अगर सपोज करो जैसे आपने देखा होगा मूवीज के अंदर देखा होगा, या कि भी मैं इस टाइम ड्यूटी पर नहीं हूँ, पुलिस वाला कोई भी कहता है कि मैं इस टाइम ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, तो दोस्तों मैं आपके सामने एक क्लियर कर दूं बात कि पुलिस वाला 24/7 हमेशा वो ड्यूटी पर ही रहता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप पुलिस वाले को कहते हो, वो उस एरिया के अंदर पुलिस वाला खड़ा है, अगर आप उसको कंप्लेंट करते हो या आप उसको कुछ भी अपनी शिकायत बताते हो, तो वो आपको ये नहीं कह सकता कि मैं इस टाइम ड्यूटी पर नहीं हूँ और मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, ये चीज़ गलत है, गैर कानूनी है, उसको आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। जो पुलिस ऑफिसर है उन्हें आपकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमेशा ड्यूटी पर ही रहते हैं, वो कभी भी गैर ड्यूटी नहीं होते। अब दोस्तों जो अगला अधिकार है वो ये है कि सपोज करो एक लड़का लड़की जो बालिग है, अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो हाँ दोस्तों वो रह सकते हैं, वो कोई गैर कानूनी नहीं है, वो अपनी मर्जी से दोनों लड़का और लड़की, बस वो नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, वो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और हाँ, इस दौरान अगर उनकी कोई बेटा, उनकी कोई संतान, बेटा या बेटी कोई पैदा होती है, तो वो भी वैलिड माना जाएगा, वो भी कोई गैर कानूनी नहीं है। और दूसरा, उसको अपने जो बेटा या बेटी जो हुई है, जो संतान हुई है, उसको अपने पिता से जो प्रॉपर्टी का भी हक मिलेगा। अब दोस्तों है आठवां अधिकार, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि आपके पड़ोस में या आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गैस सिलेंडर फट गया, ठीक है, वो गैस जैसे जलाने लगे या खाना बना रहे थे, व्हाटएवर, कोई ना कोई सिनेरियो होता और वो गैस सिलेंडर जल गया। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो गैस सिलेंडर जलता है, तो उस केस के अंदर दोस्तों इस बात का बेहद ख्याल रखिएगा कि जो गैस कंपनी होती है, अगर आपका गैस जलाते हुए उस केस के अंदर वो गैस फट जाता है, तो गैस कंपनी को 40 लाख रुपए तक की आप सहायता ले सकते हो गैस कंपनी से। ये हमारे इंडिया के अंदर लो है दोस्तों कि आप कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता ले सकते हो। दोस्तों जो नाइन्थ अधिकार है वो मैं आपको बता दूं, ये जनरल होता है कि आज सपोज करो हमारा चालान कट गया, हेलमेट हमने नहीं डाला था, हमारा चालान सुबह पुलिस वाले ने पकड़ा भी, हमारा चालान काट दिया, तो हमारे माइंड में होता है कि यार अब मैं जो बाइक लेकर जाऊँ बिना हेलमेट के लेकर जाऊँ, दोबारा तो नहीं मेरा चालान कट जाएगा। तो दोस्तों इस बात क्लियर कर लो कि दोबारा चालान नहीं कटेगा। अगर उस दिन के अंदर आपका चालान कटा, आपके पास जो रिसीट है उसकी, या कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट है कि हाँ भी मेरा इस दिन चालान कट चुका है, तो दोबारा उसी डेट में आपका दोबारा उस अपराध के लिए, उस सिनेरियो के लिए चालान नहीं कट सकता है। दोस्तों अब जो 10th अधिकार है वो ये है कि सपोज करो आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, और आप ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहे हो, आपका अगर पुलिस आपको पकड़ती है और वो 100 ml जो आपका ब्लड है उसके अंदर अगर आपका जो अल्कोहल की मात्रा है वो अगर 30 mg से ज़्यादा है, तो पुलिस आपको दोस्तों ध्यान रखेगा बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उससे दूसरों की जान का खतरा है। यार आप ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो दूसरों की जान का खतरा है, और आपकी जो अल्कोहल की मात्रा है वो ज़्यादा हो चुकी है ब्लड के अंदर, तो इस केस के अंदर पुलिस को किसी वारंट की जरूरत नहीं, और आपकी गिरफ्तारी एट दैट टाइम के रहते हैं, ऑन द स्पॉट की जा सकती है। तो दोस्तों मैं स्पेशली रिकमेंड करूंगा कि ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल मत करें। तो दोस्तों ये थे अधिकार जो कि हर एक भारतीय नागरिक को पता होने बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ताकि आपको कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको पता होना चाहिए कि इस सिनेरियो के अंदर ये एक अधिकार है। अगर मैं ये अधिकार बताऊं, क्योंकि दोस्तों नॉलेज इज एवरीथिंग, आपके पास नॉलेज है तो आप किसी भी सिचुएशन को आराम से टैकल कर सकते हैं कि हाँ भी इसके अंदर मुझे इस हिसाब से हैंडल करना है, ये सिनेरियो है इसके अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है ना यार, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को जितना आप कर सके, ताकि सबको पता लगे कि ये एक ऐसे अधिकार है जो सबको पता होना बहुत जरूरी है। तो इसको शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप किसी लोग के बारे में या किसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे लिख कर दीजिए दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाइए, मिलते हैं कल को नए वीडियो के साथ। जय हिंद।